लक बाय चांस एपिसोड 163, पैसा डबल। वरुण कनक और धनक के भरोसे उस अबला लड़की को बचाने के लिए भिड़ जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता और वो लड़की ही वरुण को बचाती है। और उसके थोड़ी देर बाद ही वरुण को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। उस अंधेरे में थोड़ा ध्यान से देखने पर वरुण ने पाया कि कुछ हट्टे कट्टे आदमी एक लड़की को अकेला पाकर उसको एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सोच में पड़ गया कि आखिर आज उसके साथ क्या हो रहा है। क्या आज उसकी किस्मत में लड़कियों से बचना या उन्हें बचाना ही लिखा है। ये सोचता हुआ वरुण उस लड़की की मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, उस लड़की को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरुण की आवाज सुनकर वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा होगा अगर तुम अपने काम से काम रखो बच्चे, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। लेकिन वरुण किसी लड़की को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं भाग सकता था, इसीलिए उसने उन आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए हंसते हुए कहा, तुम उस लड़की को जाने क्यों नहीं देते? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। वरुण की बात सुनकर उस लड़की के सामने खड़े गुंडों में से कुछ वरुण की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, हम पहले तुमसे निपट लेते हैं, इस लड़की को तो हम बाद में भी देख लेंगे। उन गुंडों का ध्यान लड़की से हटाने के बाद वरुण को लगा था कि वो अपनी जान बचाकर भागेगी, लेकिन उस लड़की का ऐसा कोई इरादा नहीं दिख रहा था और वो वहीं एक दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। ये देखकर वरुण को बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर ये सोच कर कि अगर वो किसी मुसीबत में फंसा भी तो शुक्ला जी के भेजे हुए दो बॉडीगार्ड्स कनक और धनक आसपास ही कहीं छुपे होंगे और उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। वरुण ने पूरे कॉन्फिडेंस से उन गुंडों से कहा, जब तक तुम मुझे देखने के लिए मेरे पास आओगे मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें देख लेंगे। ये कहकर वरुण ने इधर उधर देखा और चिल्लाने लगा, कनक, धनक, अरे मेरे पिटने के बाद बाहर आओगे क्या, कनक। लेकिन वरुण के बहुत चिल्लाने पर भी कोई बाहर नहीं आया और वो समझ गया कि भले वो अभी दिल्ली में ही है, लेकिन शायद कनक और धनक मुंबई वापस लौट गए हैं। अब वरुण को अपनी बेवकूफी पर बहुत अफसोस हुआ और वो एक बार फिर हंसता हुआ बोला, लगता है मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे बिना बताए छुट्टी पे चले गए। वरुण को हंसता देख वो गुंडे भी हंसते हुए कहते हैं, और अब तेरे भी छुट्टी पे जाने का टाइम आ गया है बच्चे। उन गुंडों को अपनी तरफ बढ़ता देख वरुण समझ गया कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। देखते ही देखते वो गुंडे वरुण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक पीछे से आकर वरुण की गर्दन दबोच लेता है और सामने से एक आदमी आकर वरुण के पेट में एक मुक्का दे मारता है। वरुण खुद को उस गुंडे की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। तभी वरुण देखता है कि उसके सामने खड़ी लड़की जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी, वो अभी भी दीवार से टिककर खड़ी उसकी हालत पर मुस्कुरा रही है। ये देखकर वरुण हार मानकर अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ सेकंड्स बाद जब आंखें खोलता है तो देखता है कि जिन गुंडों ने उसे घेर रखा था वो यहाँ वहाँ गिरे पड़े हैं और दर्द से कराह रहे हैं। वरुण को समझ में नहीं आता कि अभी अभी यहाँ कौन सा भूकंप आया जिससे उसकी जान बच गई। तभी वो देखता है कि जो आदमी उसे पीछे से पकड़ के खड़ा था वो अपना सर पकड़े हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है और उसके सामने वो लड़की खड़ी अपने मुक्के को सहला रही है, जैसे उस बड़े से आदमी को मार गिराने के बाद उसका हाथ दुख रहा हो। वरुण को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को बचाने के लिए वो आया था उस लड़की ने ही उसे बचा लिया। वरुण मुस्कुराता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़कर बोला, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और फिर जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उस खूबसूरत लड़की को देखा तो वरुण दंग रह गया। काले रंग के टी शर्ट और काले रंग की लेदर पैंट्स के साथ पैरों में बूट्स पहने हुए वो लड़की कोई अबला नारी नहीं बल्कि कातिल हसीना थी। वरुण का थैंक यू सुनकर उस लड़की ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। तब तक वरुण ने आगे बढ़कर उससे कहा, अब क्या मेरी जान बचाने वाली लड़की का नाम जान सकता हूँ? वैसे मेरा नाम वरुण है। वरुण का नाम सुनते ही वो लड़की पलटती है और वरुण को ऊपर से नीचे तक देखती है जैसे वो उसे जानती हो। और ये देखकर वरुण उससे पूछ लेता है, क्या तुम मुझे जानती हो? मुझे नहीं लगता हम पहले मिल चुके हैं। लेकिन वो लड़की वरुण के सवालों का जवाब नहीं देती और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। वरुण जहाँ उस लड़की के बारे में सोच रहा था वहीं पार्टी से निकलने के बाद विक्रम और उसकी माँ की बहस शुरू हो गई थी। विक्रम की माँ ने थोड़ा नाराज होते हुए उससे पूछा, यहाँ हो क्या रहा है विक्रम?
तुमने ये नकली ब्रेसलेट कहाँ से खरीदा? क्या किसी ने तुम्हें ठग लिया जो तुम्हें पता नहीं चला? तुम बताओ, तुमने ये ब्रेसलेट कहाँ से खरीदा? मैं अभी उस शोरूम में जाकर उन लोगों को सबक सिखाती हूँ। एक साथ अपनी माँ के इतने सारे सवालों को सुनकर विक्रम झुंझलाता हुआ कहता है, मैं कोई बच्चा दिखता हूँ क्या मॉम, जो कोई मुझे ठग लेगा? मैंने जानबूझकर ये नकली ब्रेसलेट खरीदा था क्योंकि मेरे पास असली खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्रेसलेट नकली है, ये लोगों को पता कैसे चला? एमरल्ड्स की चमक को देखकर तो पहली बार में मैं भी धोखा खा गया था। विक्रम की माँ को उसकी बातें सुनकर यकीन नहीं होता कि उनका बेटा अपने ही परिवार के लोगों को धोखा देने के बारे में सोच सकता है। इसीलिए वो हैरान होती हुई उससे पूछती है, मतलब तुम्हें पता था कि ये ब्रेसलेट नकली है, फिर भी तुमने, तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से सभी लोगों के बीच हमारी कितनी बदनामी हुई है? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी विक्रम। विक्रम को पहले ही वरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से अपनी माँ को इस तरह इमोशनल होता देख वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, अरे ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया। दादी के गिफ्ट के लिए मैंने जो पैसे रखे थे वो कल के ऑक्शन में खत्म हो गए। कल भी उस वरुण की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया और आज भी उसने यहाँ आकर मेरा खेल खराब कर दिया। मॉम, अगर अपनी बदनामी के लिए आपको किसी को दोषी मानना है तो वरुण को मानो, क्योंकि अगर आज वो आकर सबको नहीं बताता तो किसी को पता नहीं चलता कि वो ब्रेसलेट नकली है। विक्रम की बात सुनकर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो विक्रम, ये सारी उस लड़की की ही गलती है। पता नहीं सोनिया कहाँ से उठा लाई उसे अपने साथ। ये कहते हुए विक्रम की माँ के चेहरे पर ऐसे भाव आ जाते हैं जैसे सोनिया का नाम लेने से ही उन्हें घिन आ रही हो। और उनके पास खड़ा विक्रम माँ को अपनी बात से सहमत होते देख राहत की सांस लेता हुआ कहता है, मॉम अगर आज हमने उस लड़के को ऐसे ही जाने दिया तो आगे से भी कोई भी आकर हमें कुछ भी कहकर चला जाएगा। आगे से ऐसा कुछ ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम उस वरुण को आज ही सबक सिखाएं। ये सुनकर विक्रम की माँ एक बार फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और ये देखकर विक्रम तपाक से कहता है, आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं वरुण को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार वो हमारे परिवार के आसपास आने से पहले भी 10 बार सोचेगा। विक्रम और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत को अब 1 घंटे से ऊपर हो गए थे और विक्रम ने वरुण के बारे में थोड़ा बहुत पता करने के बाद कुछ लोगों को कॉल कर दिया था। वहीं इस बीच वरुण उस कातिल हसीना के अपने रास्ते से जाने के बाद अब वापस होटल की तरफ बढ़ चला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वरुण मुड़कर पीछा करने वालों को देख पाता, कोई उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देता है। वरुण खुद को उन लोगों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और देखते ही देखते उस पर मदहोशी छा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे जब वरुण की आंखें खुलती है तो उसे अपने चारों तरफ अंधेरा दिखता है और सड़न की अजीब सी गंध से उसका मन खराब हो जाता है। वरुण को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है और कौन उसे यहाँ लेकर आया है, इसलिए वो चीख पड़ता है, कोई है? हेलो, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी मदद करो। अरे कम से कम ये तो बता दो कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया है, मैंने किया क्या है? वरुण के इतना कहने पर भी कोई जवाब नहीं आता और ना ही कमरे में कोई हलचल होती है। तभी कुछ सोचता हुआ वरुण कहता है, जिसने भी तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। डबल सुनते ही वरुण को किडनैप करने वाले खत्री के मुंह से पानी टपकने लगता है और उसी वक्त उस अंधेरे कमरे में एक लाइट जलती है और वरुण के ठीक सामने चेयर पर बैठा खत्री वरुण से पूछता है, तुम सच कह रहे हो डबल? इस जगह से जल्द निकलने के लिए वरुण डबल तो क्या 10 गुना पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाता है, इसलिए उसने खत्री के पूछने पर अपना सर हाँ में हिलाया। लेकिन खत्री इतनी आसानी से वरुण की बातों में नहीं आने वाला था क्योंकि वरुण से पहले भी उसने कई अमीर लोगों को किडनैप किया था या दूसरे तरीकों से उन्हें सबक सिखाया था, लेकिन आज तक किसी ने अपनी आज़ादी के बदले में इतना पैसा देने की बात उससे नहीं कही थी, इसीलिए उसे वरुण की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने वरुण से पूछा, बच्चे तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें शहर में नहीं देखा। इस पर वरुण थोड़ा हंसकर कहता है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ ही नहीं तो मुझे देखोगे कहाँ से भाई, 2 दिन हुए नहीं मुझे शहर में आए हुए और इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि शहर से मेरा कोई पुराना नाता है, मैं तो शहर में किसी को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं मुझे किडनैप कराने की साजिश कौन कर सकता है।
वरुण खत्री को अपनी बातों में फंसाकर किसी तरह उससे किडनैपर का नाम उगलवाना चाहता था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। खत्री ने वरुण के इरादे को भांपते हुए कहा, मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ? मुझे पता है लोग जब अपनी जान पर खतरा महसूस करते हैं तो कुछ भी बकवास करने लगते हैं, जैसे अभी तुम कर रहे हो। क्या गारंटी है कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी और तुम्हें जाने दिया तो मुझे डबल पैसे दोगे? खत्री की बात में दम था, इसीलिए वरुण भी सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जिससे खत्री को उसकी बात पर भरोसा हो जाए। तभी वरुण को एक आइडिया आया और उसने कहा, एक काम करते हैं, तुम पहले उस आदमी को फोन करके बुलाओ और उससे ये कह के पैसे ले लो कि तुमने मुझे खत्म कर दिया है, और एक बार जब तुम्हारे हाथ पैसे आ जाएं तो तुम मुझसे पैसे ले लेना, और अगर मैं अपने कहने के हिसाब से तुम्हें डबल पैसे नहीं दे पाया तब तो मुझे मार देना, मंजूर? वरुण के प्लान के हिसाब से चलने में खत्री का कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि कम या ज्यादा पैसे तो उसे दोनों ही सूरतों में मिल रहे थे, इसीलिए उसने खुश होते हुए मन ही मन हिसाब लगाया। विक्रम मुझे 5 लाख देने वाला है और ये लड़का मुझे उसका डबल मतलब 10 लाख देने वाला है। 15 लाख? क्या बात है, ये पैसे मिलने के बाद तो मुझे अगले 2 महीने कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खत्री अपने अमीरी के सपने देखकर खुश हो रहा था, वहीं वरुण को अपने प्लान के काम करने और जान बचने की खुशी थी। क्या आज बच पाएगी वरुण की जान और काम करेगा उसका प्लान? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।